गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 8, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. हम इसमें विंड, हवा, स्टॉर्म्स, तूफान और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बबंडर के बारे में. रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एटसेट्रा आर नेचुरल फिनोमेना डेट आर पीरियडिकली टेक प्लेस इन नेचर. ये जो रेन है, बारिश है, थंडर है, थंडर यानी कि जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, बिजली कड़कती है तब उसको बोलते हैं. लाइटनिंग बिजली कड़कना, हवा, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमेना, ये प्राकृतिक फिनोमेना है, प्राकृतिक प्रक्रिया है और जो कि समय समय पर होती है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस फिनोमेना, दिस फिनोमेना. हम इस चैप्टर में इन फिनोमेना, इन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर दिस वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ड्यू टू विच दिस फिनोमेना टेक प्लेस. इससे पहले हमें हवा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होगा. हवा की प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ेंगे हम? क्योंकि इनकी वजह से ये जो प्रक्रियाएँ हैं ये होती हैं. क्योंकि देखो, विंड भी हवा की वजह से आते हैं, स्टॉर्म्स भी और साइक्लोन्स भी, है ना? चलिए पढ़ते हैं. एयर अराउंड अस, एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस. एयर जो है वो ऐसी गैसेस का मिक्सचर है जो कलरलेस है, जिनका कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, जिनकी कोई स्मेल नहीं है, सुगंध नहीं है, न दुर्गंध है, और टेस्टलेस है, यानी जिन गैसेस का कोई टेस्ट भी नहीं है. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. ऐसी लेयर अर्थ की जिसने क्या कर रखा है, अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है, वो कौन सी लेयर है? एटमोसफेयर. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? धरती के अंदर. एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ इक्वल टू द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया. जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर लगाता है जिस एरिया पे वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है उस पर. द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोसफेयरिक प्रेशर. जो प्रेशर एयर, जो भी प्रेशर एग्जर्ट करता है एयर एटमोसफेयर में, उसको हम एटमोसफेयरिक प्रेशर कहते हैं. देयर आर टू, यानी जो भी एयर प्रेशर लगाता है, एग्जैक्ट मतलब लगाना, जो भी प्रेशर लगाता है एटमोसफेयर में, हमारे जो हमारा वायुमंडल है उसमें, उसको हम एटमोसफेयरिक प्रेशर कहते हैं. दीज आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर विच आर गिवन बिलो. ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये जो दो गुण बताए गए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए देखते हैं क्या है. पहला है एयर एग्जैक्ट्स प्रेशर. जो एयर है वो क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है, यानी प्रेशर एग्जर्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रेशर एग्जर्ट करने का मतलब होता है प्रेशर लगाना, ठीक है, दाव लगाना, जोर लगाना है, डेट मीन्स कि. सेकंड, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. जो एयर है वो हीटिंग की वजह से क्या होता है? एक्सपेंड होता है, फैलता है, और वो क्या हो जाता है? लाइट, हल्का. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, और ठंडा होने पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है. एंड बिकम्स हैवियर, और क्या बन जाता है? भारी बन जाता है, ठीक है. तो आपने सुना होगा कि हल्की हवा और भारी हवा, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है. एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी.